काफ़ी तरह के फीचर्स है। पहला है मैप, तो मैप में 10 प्रकार के डेटा टाइप, सपोज बारिश, थंडरस्टॉर्म, क्लाउड कवर, ड्यू पॉइंट, सब कुछ आपको मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली आगे के 14 दिन तक किसी भी डे का आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी सपोज फार्मर ने देखना है कि किस दिन बारिश होने वाली है किस एरिया में, तो मैं वहाँ की क्रॉप को सेव कर लूँ ताकि डैमेज ना आए, तो वो भी हो सकता है। तो अगर वो पहले से देख सकें कि यहाँ यहाँ कितनी कितनी बारिश होएगी एंड कहाँ कहाँ आएगी, तो वो अपने नुकसान, अपनी फसल के नुकसान को बचा सकते हैं। मेरा नाम रौनक महाजन है, मैं 18 साल का हूँ एंड मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। तो ये मैंने एक वेबसाइट बनाई है जो किसानों और जो भी लोग हमारे पर्यावरण के लिए काम करते हैं या उसके लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक वेबसाइट बनाई है जो कि वेदर का जो डेटा होता है, जो यूजुअली आपको पैसे देने पड़ते हैं, जो एडवांस डेटा होता है, तो उसको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ईजी मतलब ईजीली आप कोई भी जाके खोल सकते हैं, किसी को कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग जो आजकल चाहिए होती है काफ़ी लोगों को, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पर जाना है, उस पर सपोज़ कोई भी फीचर है तो आप बस क्लिक करोगे बटन्स के साथ, जो भी आपको देखना है आप देख सकते हो। तो हमारी वेबसाइट में काफ़ी तरह के फीचर है। पहला है मैप, तो मैप में 10 प्रकार के डेटा टाइप, सपोज़ बारिश, थंडरस्टॉर्म, क्लाउड कवर, ड्यू पॉइंट, सब कुछ आपको मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली आगे के 14 दिन तक किसी भी डे का आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। एंड वो आपको आसानी से एक पूरे वर्ल्ड मैप पे दिखाता है, जो काफ़ी मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई बच्चा भी देख सकता है कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, एंड फिर उसको आसानी से अपने किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। किसी सपोज़ फार्मर ने देखना है कि किस दिन बारिश होने वाली है किस एरिया में, तो मैं वहाँ की क्रॉप को सेव कर लूँ ताकि डैमेज ना आए, तो वो भी हो सकता है। एंड देन जो प्रॉब्ली हमारा सबसे यूनिक फीचर है वो है ट्रैवल का। तो सपोज़ आपने किसी भी जगह से जाना है ए टू बी, सपोज़ आप अमृतसर ही ले लो, आप अमृतसर से जाना है आपने लुधियाना, आपने किस से जाना है, एयर मतलब प्लेन से जाना है, गाड़ी से जाना है या रेलवे से जाना है, सपोज़ आपने एयर से जाना है, तो हमारी ट्रैवल उसमें सिर्फ एयर का नहीं, वो आपको जिस आप सपोज़ आप फर्स्ट क्लास में जा रहे हो या इकॉनमी में जा रहे हो या फिर आप बिज़नेस क्लास में जा रहे हो, तो उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करके आपको आपकी कार्बन इमिशंस बताता है। एंड देन सपोज़ आप गाड़ी से जा रहे हो, तो गाड़ी का वो रूट कैलकुलेट करता है कि कितने किलोमीटर है, एंड पूरा वो गूगल मैप्स के जो बैकएंड पे चलता है, एंड फिर वो देखता है कि कौन सी टाइप की गाड़ी है। सपोज़ आप पेट्रोल गाड़ी है आपके पास, डीजल गाड़ी है आपके पास, हाइब्रिड गाड़ी है आपके पास, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से भी कस्टमाइज़ करके। एंड देन आपके इंजन का साइज़, सपोज़ 1.5 लीटर या 1.5 लीटर से कम या 1.5 लीटर से ज़्यादा या 2 लीटर से ज़्यादा, तो उसको भी आप कस्टमाइज़ करके डाल सकते हो। एंड ये सारा रूट कैलकुलेट करके आपको आपकी गाड़ी के कार्बन एमिशन बताता है। एंड देन हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला भी फीचर है, जिसमें पूरी दुनिया से 10,000 से ज़्यादा स्टेशन से डेटा इकट्ठा होता है हर रोज़, एंड रियल टाइम में आपको दिखाता है कि उस जगह का अभी का टेम्परेचर, एयर क्वालिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, ताकि आप डिटेक्ट कर सको। वेबसाइट का नाम क्या है और क्या मकसद है इसका बनाने का, आपके जहन में कैसे आया कि इसको बनाया जाए? वेबसाइट का नाम है क्लाइमेट हार्बर। तो मैं शुरू से ही पर्यावरण के लिए बहुत ही इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा नानी हाउस डलहौजी में पहाड़ों में, एंड मैंने पेड़ों और पहाड़ों के बीच में बहुत समय बिताया, एंड मुझे यहाँ अमृतसर और डलहौजी के बीच में काफ़ी कॉन्ट्रास्ट दिखता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो वहाँ पे समर में हम चल जाते थे। तो एंड आजकल जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू काफ़ी बड़ा इशू बना हुआ है, तो मेरा भी मन किया कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूं अपने कम्युनिटी के लिए। जैसे फार्मर्स हमारे पंजाब के, तो काफ़ी क्लाइमेट चेंज जैसे बढ़ता जाएगा उनको ऐसे नुकसान काफ़ी होएगा, तो अगर वो पहले से देख सकें कि यहाँ यहाँ कितनी कितनी बारिश होएगी एंड कहाँ कहाँ होएगी, तो वो अपने नुकसान, अपनी फसल के नुकसान को बचा सकते हैं।
तो ये बिल्कुल फ्री है जहाँ इसके कोई पैसे लगते हैं या कुछ इसके बारे में बता दीजिए, और आप क्या इसका जैसे पेड़ लेते हैं या क्या सिस्टम है इसका सारा? तो मैं चाहता था कि ये सबको फ्री हो, कोई बच्चा भी यूज़ कर सके, कोई किसान भी, कोई कोई भी यूज़ कर सके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ऐसी चीज़ें, ऐसी जो फीचर्स एडवांस वाले होते हैं वो यूजुअली या तो काफ़ी काफ़ी पैसे लगते हैं, महीने के 1,000-2,000 पर मंथ, या फिर कोडिंग आपको बहुत ज़्यादा आनी चाहिए जो एक नॉर्मल बंदे को इतना सालों का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मैं चाहता था कोई 7 साल का बच्चा भी इसे यूज़ करके हमारे पर्यावरण के बारे में सीख सके, एंड कोई किसान भी जिसके बस जिसको बस फ़ोन और छोटा सा फ़ोन भी चलाना आता है वो भी इसको यूज़ कर सके, गूगल पे जाके हमारी वेबसाइट सर्च करके। प्राउड कितना है कि आपने ये बनाई है, किसानों को इसका फायदा होगा, जो भी और भी लोगों को फायदा होगा, प्राउड कितना है? प्राउड मैं सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और कभी मुझे रोका नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करो। मैं चाहता था कि पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए, एंड पंजाब में हमारे किसान ने हमें हमारे इकॉनमी का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो अगर उनकी मदद की जाए तो सबकी मदद है। तो मैंने मेरा यही आइडिया था।